और कुछ नहीं है, मोदी का आदमी अपने यहाँ काम कर रहा खेत में, ये तो सत्ता मिलेनी लिख के दू मैं ब्राह्मणों का जन्म ले रखा, मेरा गोली मार दियो आएगा। राकेश टिकैत तो ब्राह्मणों को गाली दिलवा रहे हैं। अजी राकेश टिकैत को कौन पूछ रहा है, ऐसी सुल्ली में जाएगा पूछ लो, हाँ एक रफा नहीं मिले, एक रफा भी हाँ कसा हो, हाँ उसकी दाल है करोड़ दो करोड़ रुपए लेके उठ जाइए अंत, हाँ जुकर हर बार उठे एक नवा पीछा नहीं दे मोदी आ रहा, हाँ और लठ मारेंगे नियाम के जिस दिन उपाध करेंगे। हाँ तो ये आंदोलन आखिरकार कैसे खत्म होगा? वो तो आंदोलन मोदी जी जिस खत्म कही, जो असली किसान है जो बिल्कुल वास्तव में किसान है वो सरकार बात कर लो खत्म हो रहा, राजनीति काट दो, अजी राजनीति काट दो उसके अंदर से। हाँ तो राजनीति तो बड़े लेवल पर होती जा रही है, जियो का विरोध होने लगा है, 1600 टावरों को तोड़ दिया गया। वे टावर तोड़ने वाले क्या किसान हो सके भाई साहब, आप बताओ वे टावर तोड़ने वाले वे किसान हो सके क्या? किसान तो भाई साहब जो कि कीड़ा भी मर जा रहा उसके पैर तले उसका भी नुकया गया, बहुत बुरा हुआ पाप हो गया भाई, किसान नहीं किसी का नुकसान करने लगा बाबू जी, हाँ ये कोई किसान नहीं जी। अच्छा एक सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी हैं राष्ट्रपति जी से मिलते हैं और 2 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लेके जाते हैं, आपका भी सिग्नेचर था क्या उसमें? भाई साहब मैं तो सिग्नेचर करूं ही नहीं, और सच्चाई बताऊं हम ब्राह्मण लोग थे, इंदर जी के साथ खड़े थे, तब तक थी कांग्रेस, अब कोई कांग्रेस नहीं है और इस देश में यू आखिरी अध्यक्ष होगा, ये मेरा दावा है, मैं वादा करता हूँ आज मीडिया के सामने आखिरी अध्यक्ष होगा ये कांग्रेस का राहुल गांधी। हाँ उसके बाद तो इटली जा ली है, किसानों को भ्रमित करके भड़का करके खुद इटली की यात्रा पर निकल, भाई वहां चीन वाले मना से मिलेंगे सब, ये बताऊंगे आगे की रूपरेखा की करेगा तू, वहां वहां चीन वाले मना से मिलेंगे कि उसी दम सीध तो जाएगा यंत चीन तो रोड़ा फट जाएगा कि सारा चीन गया भाई मेरी तो बॉर्डर बनू रही तना तना ही, वहां चीन वाले मना से मिलेंगे भाई, उनके अच्छे संबंध है इटली के चीन के, यहाँ तो वहां बात होगी कुकर दे रूपरेखा आंदोलन को, और 6 महीने लो पड़े रहो भाई क्या दिक्कत है रही, वहां मुझले रे वे देखा कदलो पड़े रे साइन बाग वाले 6 महीने लो पड़े रे, पूछे नहीं किसी ने गोत भी नहीं पूछा अके गोत थारा, ये भी नहीं पड़े रहेंगे। किसान अगर सच्चा किसान बात करना चाहता है प्रधानमंत्री जी से तो उसकी सुनवाई होगी, हल कैसे निकलेगा? अंदाता जो है पैर पूछता है मोदी जी अंदाता के, हल कैसे निकलेगा? हल तो लिख दिया दरिया जी, 5 बिंदुओं पर सरकार मानने को तैयार है, ये भी जिद छोड़ दोगे ये जी दिनों के, अरे तीनों काले कानून वापस हो, अरे काले कुकर है बताओ तो सही है, आओ सब समझाओ हमें भी काले है। 1947 से लेकर के अब तक हमारा देश में कोई भी कानून ऐसा है जो वापस हुआ हो जो अब किसान बिल को वापस कर लिया जाए? कोई नहीं हुआ, कोई कानून वापस नहीं हुआ मेरी नॉलेज में, कोई नहीं हुआ जी। हाँ क्या लगता है कि कह रहे हैं कि हो गया फैल हो जाएगा जी, सब किसान चले जाएंगे जब किसान समझेंगे राहुल गांधी को और वामपंथी को, वामपंथी किसके हो ये बंगाल में देख लो क्या हाल करवा रखा, बंगाल का देख लो हाल, ये वामपंथी किसी के नहीं अपनी माँ के नहीं है जिस तक पैदा हुई वामपंथी। यहाँ अब कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि वहां पर किसानों के हित की बात नहीं हो रही है तो कुछ लोग वापस जाने लगे आंदोलन से। हाँ जी जाएंगे, जो समझदार सभी आदमी है पढ़ा लिखा है जैसे समझ रहे हर निकलेगा, अगर किसान खुले दिल से हर सारी स्वार्थ को त्याग के और सरकार से बात करो 24 घंटे मन निकल जाएगा। नरेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि सरकार 2 कदम पीछे हो जाए और किसान भी 2 कदम पीछे हो जाए तो हल निकला हुआ है। भाई सुनो तो 2024 दिख रहा है, मोदी जी तो डैडी पाल रहा ये तो संत बनागा और तुम कब जाए लो। अच्छा हाँ ये और कुछ नहीं जी, फॉर्मूला वही है बिल्कुल 100%। सीए क्या था, कहाँ गए सीए वाले, फिर ना बैठे हुए, फिर भी तो आओ विरोध करो। तो अभी ओबीसी तो कह रहे थे कि आएंगे दोबारा से, ओबीसी का क्या किस्सा है बेचारा का, हैदराबाद में देखो क्या हाल कर, योगियों की गाता है यूपी तो एक डांट लगाया था, अब आगे बता देंगे चुनाव होंगे जी। तो अब क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी का जलवा बरकरार रहेगा? ये कूद तो कोई माई का लाल हटाने वाला पैदा नहीं हुआ कोई, ये मेरा चैलेंज है खबर इंडिया को, हाँ हाँ हटा के दिखाइयो 22 में जंग है हटा के दिखाइयो। अगर वो अखिलेश का शासन बहुत अच्छा था, ये अखिलेश हरा वे के हाँ जुत्तू पिटंगे अखिलेश हर तो, हाँ अखिलेश सर अपना घर से मार लो। अच्छा। अखिलेश हर दिन में हिंदुओं को कहे हम रामायण पढ़े सांझ को टोपी उल्ले, राम भक्त हो गए अखिलेश, राम भक्त हो गए तो राम भक्त कद नहीं थे वे मस्जिद में नमाज पढ़ी गई किस दिन उन्होंने टोपी लगा ला तो उसका बापू और मुसलमान भाई देख रहा मुला मुलायम हो गया भाई नू यक रहे कोई मुलायम मारे मोदी ने टोपी नहीं वड्डी थी वो वड्डी नहीं थी नू कहता सुनो भाई यह है इज्जत की बात अपनी टोपी ओढ़े अपनी ओढ़े कहाँ का मुद्दा
गायब हो गया उस दिन ही, अपनी टोपी वो डे इज्जत की बात है, इसे उछाड़ देना फिर एक दूसरे के सिर पे, चुप हो गया उस दिन थे, टोपी पॉलिटिक्स नहीं रही, फिर आ खत्म कर दी। अजी वो बहुत विद्वान आदमी संत आदमी है, वो उसे नू कर दगा अली से किसान आंदोलन को। क्या लग रहा है संत हो जाएंगे उसके बाद कब्जा कर लेगा कोई आगे? देखो जी राजनीति अब विपक्ष भी कर रहा, अरब राजनीति खुल का भाजपा भी कर रही है खुल के, ठीक फ्रंट फुट हो गया कर रही और करेगी करेगी। जब तक विपक्ष किसान आंदोलन में नहीं अटका तब तक करेगी। और किसान बनके और प्रधानमंत्री दो आज स्वागत है नू दे रहा नू बैठा लगा जी। बड़ी बात है, जैसे अखिलेश की बात हुई तो अखिलेश ने भी समर्थन दिया है, ममता बनर्जी उन्होंने भी समर्थन किया किसान बिल का। तो बंगाल तय निमट लियो इनते, इतनी बड़ी शेर नहीं है वह, रात को नींद नहीं आती भाई साहब, गोली लेनी पड़े नींद की ममता को, ये हाल कर दिया एक लीडर ने। और जिस दिन मोदी जागा ना सारा बंगाल मोदी मोदी हो जाएगा, मोदी मोदी बुलवा जाएगा सब बंगाल को। साजी गए लगा तो आ गया एक नड्डा गया छोटा सी गेलो तो छोटे कार्यकर्ता गए, अजी हमारे बड़े शेर को जान दो तब देखियो देख क्या होगा बंगाल का। हाँ दो तिहाई बहुमत से जीत खाओगे, 200 सीट पक्की है बिल्कुल 100%।